टू द पाकिस्तानी ब्रोस रिएक्शन। स्वागत है आपका हमारी एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस मिल सके। और यार ये बताना नीचे कि आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे, क्योंकि हमारा एक इशू आ रहा है, मे बी वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे, तो आप लोगों ने हमें बताना है। तो यार सबसे बड़ी एक खबर आ रही है कि वो इंडियन है, ये आपको ये बताएगा इंट्रो। हां तो मैं वजाहत, मेरे साथ है मुबशिर। सो गाइस आज की वीडियो मतलब काफी कोई बड़ी खबर आ रही है, हमें काफ़ी सारे मतलब कमेंट्स भी आ रहे थे इस बारे में कि इंडिया ने चाइना के मतलब 5 सोल्जर्स मार दिए हैं और कुछ कुछ जख्मी भी किए हैं ना। इंडिया मतलब इंडिया के चाइना ने मारे हैं? अबे इंडिया ने चाइना के मारे हैं, तो ये बता रहे थे लोग मुझे कमेंट में। तो जल्दी से, इस वीडियो का टाइटल भी वही है कि इंडिया ने मतलब 5 सैनिक मार दिए चाइना के और साथ में 11 घायल, मतलब 11 घायल। सो काउंट डाउन करते हैं 3-2-1 एंड स्टार्ट। श्वेता सिंह, आप लगातार बता रही थी कि फायरिंग नहीं होती है, अमूमन जब वहां पर झड़पें होती हैं तो इसी तरीके की चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। क्यों? इसलिए कि उसको युद्ध की संज्ञा ना दी जा सके, उसको उकसावे की संज्ञा ना दी जा सके और बाद में ये कहा जा सके ये तो सैनिक आपस में भिड़ गए थे क्योंकि दो ट्रूप सामने सामने आ गए थे, लेकिन परिस्थिति तनाव की बनी रहे। रोहित, वैसे तो हथियारों का किसी भी तरीके से इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, वहां पर गोली बंदूक कह दिया गया है, पर हथियार नहीं होने चाहिए। चाइना अपनी तरफ से कुछ कुछ परिवर्तन करके, और इसीलिए जैसा मैंने उस समय भी बताया कि कांटेदार तारों को लपेटकर और कीलों को ठोककर उन लाठियों पर वो लेकर आते हैं, और ये चाइना का ही ईजाद किया हुआ है। भारतीय सेना में तो इतनी शक्ति शारीरिक रहती है कि वो अपने हाथों से ही धक्का दे दिया करते थे चीनियों को उनकी सीमा में। आज की बात नहीं है, 62 में भी अपने हाथों से हमने एक लड़ाई रिजांगला में लड़ी थी उनके साथ, जिसके निशान आज तक चीन के पास मौजूद हैं। लेकिन रोहित, मैं दो चीजें यहां पर क्लैरिफाई करना चाहती हूं, दो चीजें जो लगातार चल रही हैं खासकर सोशल मीडिया से जुड़ी हुई एलएसी के सिचुएशन को लेकर। दो चीजें, ऐसा नहीं है, नंबर वन गोली, जिसकी बात अभी गौरव भी बता रहे थे, गोली नहीं चली है, ये सेना की तरफ से भी कहा गया है। और दूसरी चीज, रिटेलिएशन में चीनी नहीं वहां पर कैजुअल्टी हुए हैं, बल्कि उसी घटना के दौरान, उसी घटना के दौरान जो हाथापाई हुई है भारत और चीन के सैनिकों के बीच, चीन की तरफ भी कैजुअल्टी है हुई है, भारतीय सेना की तरफ से यह कहा गया है। अब हम इंतजार कर रहे हैं कि क्या चीन इस चीज को एक्सेप्ट करेगा या नहीं, और वो आंकड़े क्या बताते हैं, क्योंकि इतना ज्यादा पारा उस समय, इस समय वहां पर हाई है, इतना ज्यादा तनाव वहां पर है कि लगातार बातचीत रुक रुक कर वहां पर हो रही है। सवेरे से जब से चीन की तरफ से कहा गया, तब जब से शुरुआत हुई है, वो इस समय भी वहां पर बातचीत ये चल रही है कि किस तरीके से इसे कम किया जाए। लेकिन रोहित, एक बहुत बड़ी चीज मैं यहां पर जरूर कहना चाहूंगी, और ये हर फौजी इस बात को मानेगा कि अब लड़ाई जो है वो जमीन की नहीं रह गई है। कमांडिंग ऑफिसर को उनकी यूनिट एक पिता का दर्जा देती है, एक कमांडिंग ऑफिसर को अगर मारा गया है चीन की तरफ से, एक कर्नल के रैंक के ऑफिसर को, एक कमांडिंग ऑफिसर को एक यूनिट की, तो इस समय बहुत ज्यादा तनाव उस यूनिट में भी मौजूद होगा, और ये बहुत वाजिब बात है कि उनकी तरफ से ये जानना वो पसंद करें कि वो किस तरीके से इसका बदला ले पाएंगे। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं रह गई है, कमांडिंग ऑफिसर पर इस तरह का आक्रमण, इतने सीनियर अधिकारी पर जिसे पिता का दर्जा उसके सैनिक देते हैं, उस पर इस तरह का आक्रमण इस समय भारत के सामने बहुत बड़े सवाल खड़ा करेगा, चाहे किसी भी स्तर की मीटिंग हो जाए रोहित। लेकिन सबसे पहले जिसकी बात एक सैनिक सुनता है एक यूनिट के अंदर, वो होता है उसका कमांडिंग ऑफिसर, जो न सिर्फ उसका एक लीडर होता है सैन्य एक्सरसाइजेज में, बल्कि एक पिता की तरह उसकी सारी जरूरतों का ख्याल रखता है। इसीलिए अभी जो असमंजस है और अभी जो मुश्किल है वो इस बात की भी है, भारत और चीन के बीच अगर बातचीत चल रही है तो इस बात को लेकर भी बहुत जोर हो रहा है कि क्या किया जाए, इस तनाव को कैसे कम किया जाए, ये इस समय भारत सरकार के सामने भी बहुत बड़ा प्रश्न है। चीन की तरफ 5 लोगों की मौत हुई है और साथ ही साथ 11 जवान वहां पर घायल हुए हैं, ये ग्लोबल टाइम्स की रिपोर्ट इस समय कह रही है। श्वेता, और कुछ जानकारी जो आपके पास आ रही हो इस समय इस घटनाक्रम को लेकर, या जो बैठक गृह रक्षा मंत्री और विदेश मंत्रालय की अभी तक हुई है उसको लेकर? देखिए, चीन की तरफ से तो जो भी जानकारियां निकलती हैं रोहित, लेकिन ये ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जो ये कहा गया है ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाएगा। चीनी सैनिकों के, 5 चीनी सैनिकों का मारा जाना जो झड़प हुआ था उसमें, ये बहुत कुछ कह रहा है इस समय
और इसीलिए दो पैरेलल बैठकों को हमें देखना पड़ेगा, एक जो दिल्ली में इस समय चल रही है जो रक्षा मंत्री की अगुवाई में चल रही है, और दूसरी बैठक जो भारत और चीन के बीच बातचीत के तौर पर चल रही है, वहां पर जो कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से जो तनाव की शुरुआत हुई है उसका निपटारा किया जाए। अब ये देख लेना बहुत जरूरी हो जाता है। और जो 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 दिल्ली में चल रही बैठक में इस समय चर्चा का विषय है वो ये कि इस तनाव की शुरुआत आखिर किस तरीके से हुई थी, और इस तरह की कभी भी कोई झड़प, कोई भी लड़ाई, अगर सीमा पर पहली गोली भी चलती है, जो कि यहां पर वो स्थिति नहीं है, लेकिन अगर पहला मुक्का भी ताना गया तो वो किसकी तरफ से किया गया, उस हिसाब से फिर इस मामले में आगे चला जाएगा। पहला आक्रमण किसकी तरफ से हुआ है वो देखना होगा, क्योंकि चीन और भारत के बीच जब बातचीत हो चुकी थी, तय हो चुका था कि आपको कितना पीछे अपनी सीमा में जाना है, और चीन ने इस बात को मान लिया था। वहां के कमांडिंग अफसर जो उस यूनिट के वहां पर थे, उनकी सीमा में मौजूद थे, उन्होंने इस बात को मान लिया था। उसके बाद ही पीछे हटने की कार्रवाई शुरू हुई थी डिसएंगेजमेंट की। उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आप अपनी जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए? इस पूरी लंबी सीमा पर हर एक जगह पर बातचीत करके कोशिश की जा रही है, जहां पर सफलता इतनी ज्यादा हो गई वहां पर क्यों इस तरह का काम हुआ कि आपने अड़ने का फैसला किया, जिसकी वजह से ये टकराव, ये मुठभेड़ देखने के लिए वहां पर मिली। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है रोहित ये जानकारी इस समय कि भारत की तरफ से जो 3 कैजुअल्टीज की बात हम कर रहे थे, कई और जवान घायल भी बताए जा रहे हैं, और चीन की तरफ से 5 मौतों की पुष्टि किया जाना, क्योंकि ग्लोबल टाइम्स उनका सरकारी एक तरह से मुखपत्र है, तो उनकी तरफ से आने वाली जानकारियां चीन की सरकारी जानकारियां ही है। चीन के 5 सैनिक मारे गए इस हाथापाई में, इस मुठभेड़ में, और उसके साथ ही 11 उनके जो सैनिक हैं वो बुरी तरीके से घायल बताए जा रहे हैं। जाहिर है तनाव दोनों तरफ बहुत अधिक है, और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि पिछले 45 साल में जो इस तरह का वायलेंट, इस तरह की हिंसात्मक टकराव कभी नहीं देखने को मिला लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, वो आज ऐसी परिस्थिति हमें देखने के लिए मिल रही है, जहां पर भारत ने भी अपने अफसर समेत कुल 3 लोगों को गंवा दिया है। और यहाँ पे वीडियो यार ये बहुत बुरी हरकत की है जिसने भी करी है, ठीक है, जिसने भी की है, बिल्कुल जिसने। अब देख पहले अब यही पता लग जाए ना कि किसने ये पंगा किया है, फिर ही सब कुछ पता लगेगा। लेकिन नुकसान काफी बड़ा है देखा जाए तो। चल उनके 5 मारे गए, 11 उनके घायल है, लेकिन इंडिया के 3 फौत हुए यार, मतलब कुछ मतलब जख्मी भी हुए। एक जवान उनके घर में क्या गुजर रही होगी, एक जवान है ना एक किस्म के, फौत हुए तो उनके घरों में क्या गुजर रही होगी। बड़े बड़े ऑफिसर उधर से सब कुछ कर लेते हैं, मतलब अब क्या कमांडिंग ऑफिसर भी इंडिया का, और ऊपर से हमें नहीं पता था, हमने समझा कि टाइटल में भी लिखा हुआ है, मतलब टाइटल में क्या लिखा हुआ है, चाइना के मारे हैं खाली। वही ना यार, मतलब ये कह रहे थे कि वो डंडे के साथ कीले वगैरह तारे कीलों वाली लड़ वो उन लोग ही करते थे, मतलब फाइट के लिए जब आते थे तो। ये तो मतलब काफी टाइम से चला, लेकिन आज तक मतलब बॉर्डर पर यार गोली नहीं चली थी, अभी इनके गोली नहीं चली मेरी, गोली के बगैर तो नहीं हो सकता ना, हो सकता है यार, मतलब होना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी वो ये खुद न्यूज़ वाले कह रहे हैं कि अभी मतलब हाथों की लड़ाई से काफी बात ऊपर चली गई। वही तो देख, मतलब छोटा सा मसला था, मतलब यार शुरू पे वो जो मुक्के मारे थे और मतलब वो भी लड़े के वजह से वो रोड कोई बन रहा था, हाँ मे बी उसी पे हुआ है। और मतलब यार अभी ये मुझे नहीं लगता, मतलब मुझे ज्यादा मेरे ख्याल क्या पता आपस में ये लोग मतलब भिड़ गए, आपस में गाली गलौज हुई और भिड़ गए हो, कुछ भी हो सकता है, और ऑर्डर ऐसा मिला हुआ हो कि भाई तुम लोगों ने ये चीज करनी ही करनी है, ताकि हालात और संगीन बने। यार बंदा अब क्या बोले ना, सीरियसली, और यार दुआ करनी चाहिए जो सोल्जर्स मतलब शहीद हुए उनके लिए, यार दुआ करनी चाहिए कि उनको यार जहाँ मतलब अब वो शहीद हो चुके हैं उनके लिए जितना हो सके यार आप लोग दुआ करो, और ये प्रे करो कि ये चीज ना हो, मतलब ना मतलब जंग वॉर तक ना जाए। लेकिन मतलब अब तो मतलब आवाम के साथ साथ सारे मतलब गुस्से में होंगे, सीधी आवाम समझ सकते हैं यार आप लोगों की बात, लेकिन अब लोग कमेंट में भी देखेंगे इधर होगा कुछ ना कुछ होगा यार, ये कमेंट में हिंदी भी है, और ये मतलब सारे गुस्से में है,
हिंदी की कॉमेडी। एग्जैक्टली मैं वही पढ़ पा रहा हूँ यार, तमिल से काम लेना होगा। अब यहाँ पे जो चीज हुई है बहुत बुरी हुई है चीज, लेकिन ये कि ऐसे दो कंट्रीज के बीच मतलब ये हो रहा है ना, एग्जैक्टली कि ऐसे दो ये कंट्रीज के बीच हो रहा है ना जो बहुत बड़े कंट्रीज है, और ये वर्ल्ड वॉर छेड़ सकते हैं। हाँ जहरी बात है, हेल्प के लिए अगर कोई और कंट्रीज आते हैं फिर दूसरों का दूसरा, तो ये चीज़ हो नहीं तो ज़्यादा बेटर है। अब सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि पता लगाएं कि भाई मस्ती किसकी थी सबसे पहले, वो पता कराएं ना। मतलब सोल्जर्स होते हैं यार, एक दूसरे को करते करते मतलब शायद चढ़ गए हो एक दूसरे पे, मतलब एक दूसरे को मतलब एक ने गाली दी हो दूसरे ने जवाब दी हो तो जाके लड़ पड़े हो सकता है ऐसे यार, बिल्कुल हो सकता है। और वाकई में ये बहुत मतलब के सैड न्यूज़ है एक किस्म की जो आई है। और अगर कमांडिंग जनरल जो वो कहते हैं कि उनको बाप की तरह समझते हैं, मतलब यार वो होता है इस तरह होता है, ऐसा होता है जिससे सोल्जर्स मतलब बिल्कुल जहरी बात है। तो अगर वो बीच में मतलब फोत हुए तो यार जाहिर बात है चाइना की भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने बड़ा टारगेट किया। एग्जैक्टली, कोई सोल्जर भी नहीं, सोल्जर तो चल दो हुए हैं लेकिन उन्होंने बड़ा टारगेट किया, तो हो सकता है चाइना की तरफ से भी हो सकता है यार। लेकिन पहले जब हो गया था जब कुछ सब कुछ ठीक हो गया था फिर क्यों, उसके बाद क्या मतलब ये लोग चाइना मान गया था कि हाँ हम लोग पीछे जा रहे हैं ठीक है, लेकिन उसके बाद भी ये समझ नहीं आया ये हुआ क्यों है। तो यार आप भी कुछ इस बारे में जानते हैं तो हमें कॉमेंट में शेयर करो यार, काफी सैड खबर है यार सच्ची में। हम लोग खुद सैड हो गए यार, सोल्जर्स की यार बस दुआ करें उनके लिए बहुत बहुत। इसी साथ वीडियो खत्म करते हैं यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह को ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। नमस्ते सिस्टर।